अगले मेरे पास है ऑप्टिक न्यूराइटिस वाला. ये हमारे पास आता है ऑप्टिक नर्व की पैथोलॉजी में. सबसे पहले ऑप्टिक न्यूराइटिस, अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद सडन लॉस ऑफ विजन के साथ आएगा. अ पेशेंट प्रेजेंट विद सडन लॉस ऑफ विजन, और आपने जब उसकी एग्जामिनेशन की और आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्यूलर स्टार मिल रहा है, न्यूरोरेटिनाइटिस होगा, यानी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है. अगर ऑप्टिक डिस्क का हाइपरीमिया मिल रहा है, ब्लरिंग ऑफ द मार्जन्स मिल रहा है, वो पेपिलाइटिस होगा. लेकिन आपको कोई पैथोलॉजी फंडस पे नज़र नहीं आ रही और पेशेंट तो है ही सडन लॉस ऑफ विजन के साथ आया है, तो ये रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस होगा. मेन इसका मतलब क्या है कि इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. देखो ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या आता है, सडन डिटोरिएशन ऑफ विजन, देयर विल बी नो सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पेशेंट विल प्रेजेंट विद सडन लॉस ऑफ विजन, ऑफकोर्स कलर विजन भी नहीं होगा, आर ए पी डी मौजूद होगा. इसके अलावा अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो तुमने सिर्फ ये ऐड कर लेना है इसके अंदर कि मोस्टली पेशेंट को यूनिलेटरल आई का मसला बनता है, यूनिलेटरल सडन लॉस ऑफ विजन का मसला बनता है, और अपर मोटर न्यूरॉन लियन वाले कोई ना कोई साइन सिम्टम आ जाएगा, और आपको फंडस में कोई पैथोलॉजी नहीं मिलेगी. पेशेंट अगर फर्स्ट टाइम आपके पास आता है इन सिम्टम्स के लिए, तो कोई भी इन ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर पेशेंट जो है वो दोबारा आता है, रिकरेंट अटैक्स को हो रही है लिखा हो, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारा IIMC आया था, IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन प्लस ओरल प्रेडनिसोलोन. आप कभी भी ओरल प्रेडनिसोलोन अकेले नहीं दे सकते, पहले 3 दिन के लिए IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना होता है और फिर स्मैच करना होता है ओरल प्रेडनिसोलोन को. ये तो है ट्रीटमेंट ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस. अगर स्पेसिफिकली वो कहें कि बल्बर न्यूराइटिस है, ये तो देंगे, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे इंटरफेरॉन बीटा, ठीक है, ताकि स्पेशली होता है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, और विटामिन B1, B6 और B12 ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है. तो अगेन हमारे पास क्या बन गया, सिंपल से 3 सिनेरियो. अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस का टिपिकली कहें सडन लॉस ऑफ विजन है, अगर आए कि जी बल्बर न्यूराइटिस है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हिस्ट्री होगी, उसमें MRI ब्रेन का कहेंगे, ताकि हमें MRI हम करवाएंगे तो हमें डायग्नोस हो जाएगा, बिकॉज पैरा वेंट्रिकुलर प्लाक्स मिलेंगे. अगर सबसे जो लीस्ट है वो न्यूरोरेटिनाइटिस होता है, उसमें आपको मैक्यूलर स्टार मिलेगा. अगर बात करें पेपिलाइटिस की, तो उसमें डिस्क फाइंडिंग्स आएंगी. टिपिकली क्या आएगा कि उसमें आपको डिस्क जो है वो हाइपरीमिक होगी, उसका ब्लड सेंट्रल कप होगा, और फ्लोटर्स भी मिलेंगे उसमें, बिकॉज इन्फ्लेमेशन है तो फ्लोटर्स भी आएंगे उसके अंदर. ट्रीटमेंट सबका हुई था, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम पेरीमेट्री करवाते हैं तो हमें सेंट्रल स्कोटोमा मिलता है या सेंट्रोसीकल स्कोटोमा. ये मोस्ट कॉमन फील्ड इफेक्ट है, दे कैन आस्क दिस. और मुझे लगता है कि ये और MCU बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट यूनिलेटरल सडन लॉस ऑफ आई के साथ प्रेजेंट करता है और आपको फंडस पे कोई पैथोलॉजी नहीं मिलती, तो आप कंफर्मेशन कैसे करवाएंगे, आप MRI ब्रेन करवा लें प्लाक्स देखने के लिए. अच्छा, दूसरा इसकी डीडी में आता है पेप्लोएडिमा. पेप्लोएडिमा होता है किसी भी ट्यूमर की वजह से, क्योंकि इनका क्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो पेशेंट सुबह उठता है उसको हेडेक, नौजिया और वॉमिटिंग होता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है. क्योंकि एडिमा वक्ती होता है, दिन को ठीक होता है, आपके पास आएगा, विजुअल एक्टिविटी ठीक होगी, कलर ठीक होगा, पैपिलरी रिएक्शन ठीक होगा, विट्रेस नॉर्मल होगा, कोई फ्लोटर्स नहीं होंगे. ऑप्टिक डिस्क एडिमेटस जरूर होगी, लेकिन उसमें कप ब्लर्ड नहीं होगा जैसे पेपिलाइटिस में होता है. पेरीमेट्री करेंगे तो स्कोटोमा नहीं मिलेगा, बल्कि ब्लाइंड स्पॉट इनलार्ज्ड होगा. और आपने क्या करवाना है, रूल आउट करना है मैस लीजन को. इसमें अगर आप पेपिलोडिमा को ट्रीट नहीं करते या पेपिलाइटिस को ट्रीट नहीं करते, दोनों की कॉम्प्लिकेशन एक ही होती है, ऑप्टिक एट्रॉफी. अगर ऑप्टिक एट्रॉफी है तो उसमें क्या होगा, लिखा होगा कि चौकी वाइट ऑप्टिक डिस्क है, क्लियर मार्जिन्स हैं, लेमिना क्यूबरोसा बहुत क्लियर नजर आ रहा है, क्या है, आप कहेंगे ऑप्टिक एट्रॉफी.
वो कहेंगे नेक्स्ट दे विल आस्क दैट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन को आपने रूल आउट करना है क्योंकि ऑप्टिक एट्रोफी मोस्टली हो रही होती है एडिमा स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन वगैरह की वजह से, इसलिए ये ग्रेजुअल लॉस ऑफ वीजन में आता है. ये पेशेंट हो सकता है कि माइल्ड केस के साथ आए, मॉडरेट से आए या सडन के साथ आए. तो तीनों स्नैरियो में आप इसको डाल सकते हैं कि आप पेशेंट प्रेजेंट विद माइल्ड लॉस ऑफ वीजन, सडन लॉस ऑफ वीजन, ग्रेजुअल लॉस ऑफ वीजन. तो ऑप्टिक एट्रोफी को तीनों सूरतों में सोचना है.